बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं इनके बारे में कि उनके अभी हाली में उनका एक जनरल एक फ्यूचर देखना चाहूंगी, बस खाली एक फरवरी मार्च में उनका कैसा जाएगा। हालांकि मैं इस पर एक सेशन कर चुकी हूँ, इसके अलावा क्या मैसेजेस हैं ये मैं देखना चाहूंगी शहनाज गिल के लिए। एक जनरल एक क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए, क्या क्या होगा उनके साथ, और बॉलीवुड में भी वो डब करने का इनका क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है। रियाज का शुक्र भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी। मुझे बताएं कि शहनाज गिल के लिए फ्यूचर फरवरी मार्च में एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि फरवरी का मंथ कैसा है, फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से मोमेंट्स आएंगे, बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं। इसमें इनका ये मैसेज है कि अभी ये कहीं विदेश जाने का सोच रही हैं, कहीं दूर जा करके अपना करियर बसाने की कोशिश कर रही हैं, और कोशिश तो बहुत कर रही हैं कि अब्रॉड कहीं जा करके मैं अपना वहीं जाके बस जाऊं, शांति से बिल्कुल एकदम शांति से काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसते हुए से नज़र आ रही हैं। ये प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगी, बहुत सारे बाउंडेशंस, बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, और निकलना चाहेंगी उससे लेकिन निकल नहीं पाएंगी। और इनका ये भी दिखा रहा है कि अगेन शहनाज गिल के लिए बहुत ही गॉडेस वाला एक कार्ड आया हुआ है, शी इज़ जस्ट लाइक अ क्वालिटी ऑफ द गॉडेस। इनके मदरली केयर, लव, अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ फीलिंग बराबर इनकी ये चीज़ दिखाता है कि ये इनके ये मन में फीलिंग रहेगी नो डाउट, और ये बहुत इमोशनल रहेंगी उस प्रॉब्लम के चलते। हो सकता है कि ये बहुत इमोशनल रहें, और नई शुरुआत दिखा रहा है इनके फ्यूचर में, कुछ नया करना चाहेंगी, कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगी, और बहुत जद्दोजहद करेंगी, मेहनत बहुत करेंगी। इसमें मैं पूछ लेती हूँ कि इसमें इनका और क्या मैसेजेस हैं, मैं एक बार सेकंड रीडिंग एक बार और कर लूँ कि इसमें इनका और क्या क्या होगा शहनाज गिल के साथ, क्या क्या इनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसमें इनका ये दिखा रहा है कि ये जद्दोजहद तो बहुत करेंगी नो डाउट, लेकिन इनको अगेन कोई यहाँ पे बर्निंग टावर का कार्ड है, इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनकी इमेज डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है, इनके ऊपर ब्लेम लगाए जा सकते हैं, सब चीज़ें ध्वस्त हो सकती हैं। हो सकता है कि ये नया प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले ही कुछ भी ये प्लान करें तो हो सकता है वो हो ना पाए, जैसे बाहर कहीं जाना है या कहीं उनको कुछ प्रोजेक्ट करना है, स्टार्ट करना है, तो सब चीज़ें कहीं डैमेज ना हो जाएं, ये सब चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए। और ये इनको बहुत ही ज़्यादा इनका ये दिखा रहा है कि सोशल बहुत रहेंगी, और इसमें ये भी है कि सोशल तो रहें नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को अगेन एक्सप्लोर ना करें। और फ्यूचर में इनका ये दिखा रहा है कि अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, उससे अपने घर में अपने जिसको ये मानती हैं, स्कूल और काम एकदम रह करके आराम से सोच समझ के तब डिसीजन लेते हुए नज़र आ रही हैं फ्यूचर में, और हर चीज़ को स्टडी करना, एनालाइज करना, तब उस पर खड़े उतरना, ये चीज़ इनका दिखा रहा है। कोई जो ना इनको डोमिनेट कर सकता है तो ये गलत तरीके से डोमिनेट ना हो, और अपनी किस्मत आजमाएं, इनकी प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है। ये डिसीजन लेंगी कॉन्फिडेंटली, लेकिन कोई जना जानने की कोशिश करेगा कि ये अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या क्या प्लान कर रही हैं। तो थर्ड पर्सन की एंट्री दिखा रहा है, इनके बीच में कोई जना जो है वो बराबर से इनके ऊपर ये जानने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए मैंने वार्न किया कि सोशल है नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल ना हो जाए, चीज़ें एक्सप्लोर ना करें, क्योंकि बर्निंग टावर कार्ड ठीक नहीं है, चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, शुरू होने से पहले काम से पहले सब कुछ ऑफ हो जाएगा। इसमें ये साफ मैसेज है। मैं इसमें देख लेती हूँ कि बॉलीवुड में वो डब करने का उनका क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ है, क्या ये सही बात है कि शहनाज गिल क्या बॉलीवुड में डब के लिए जाएंगी, अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। इसमें इनका ये दिखा रहा है कि बॉलीवुड में इनकी एंट्री डब के लिए अगर ये जाती हैं तो
बॉलीवुड में डब करके जाती हैं, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि हो सकता है कि चीज़ें पूरी तरीके से हो ना पाए, जो भी प्लान किया होगा इन्होंने वो पूरी तरीके से यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि वो सफल हो जाएंगी। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि डब करने के लिए अगर बॉलीवुड में जाती भी हैं, मुझे लगता है ये नहीं जाएंगी, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि इनकी अगेन इंसल्ट बेइज्जती करने की कोशिश करेगा कोई जना, कुछ ना बराबर जो उनकी विरोधी पार्टी है वो सभी चीज़ें करेंगे। तो मैं इसमें नेक्स्ट मैसेज ले लेती हूँ कि क्या बॉलीवुड में अभी हाल ही में उनके लिए जाना डब के लिए ठीक है कि नहीं, बॉलीवुड में किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट या काम करना, इनके लिए क्या मैसेजेस हैं शहनाज के लिए, मैं जानना चाहूँगी कि क्या इनको प्रिकॉशन लेना चाहिए, इनको मैजिकल या चालाकियों भरे जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए, इनको कोई जना अगेन मैं वॉर्न कर दूँ कि इनको जो है मैजिकल चीज़ या चालाकियाँ खेलना, टर्किश चीज़ करना, ये सब चीज़ें इनके साथ बॉलीवुड में अगर ये इनका हाल ही में अगर ये जा रही हैं कुछ प्लान कर रही हैं तो नो डाउट कि कोई जना इनको टर्किश शो में फंसाने की कोशिश करेगा, उससे ये बचें। अदरवाइज़ इनका ये विन करते नज़र आ रही हैं, अगर ये बॉलीवुड में अगर जाती हैं तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल जाएं। और यहाँ पे इनके जो है ये अपनी हो सकता है कि शादीशुदा ज़िंदगी के इनके लाइफ में दिखा रहा है कि इनके लिए एक गेट खुले, एक द्वार खुले कि हाँ ये डिसाइड कर सकती हैं कि शादी के लिए मैं मतलब हो सकता है कोई जना को प्रपोज करे, या इस तरीके से दिखा रहा है कि कोई जना इनको प्रपोज करेगा। लेकिन मैं बता दूँ फिर से कि क्योंकि यहाँ पे मैजिकल कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि कोई जना चालाकी से इनसे विन करना चाहेगा इनके ऊपर, तो उस चीज़ से बचना है बस इनको। और यहाँ पे यहाँ दिखा रहा है कि जनता इनको सर राखों पे रखेगी अगर ये बॉलीवुड में आती है, अपना काम करती हैं जैसे पहले काम करती आई हैं, तो नो डाउट लव फेम बहुत मिलेगा, इनकी ट्यूशन बहुत अच्छी है, इनके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है ये फ्यूचर में यहाँ दिखा रहा है कि ये जानती हैं कि बॉलीवुड में अगर मैं जाती हूँ तो मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये बात ही जानती हैं। थोड़ा सा परेशानी में भी ये पड़ सकती हैं, सोचेंगे बहुत बेवजह की चिंता या प्रेशर माइंड में होना, ये सब चीज़ें इनके दिखा रहा है इसके चलते। अदरवाइज़ यहाँ पे गलत तरीके से कोई जना इनको शादी के लिए प्रपोज करना या सोचना, ये हो सकता है वो व्यक्ति भी मन की बात ना बोले, लेकिन यहाँ ये शो हो रहा है कि बॉलीवुड में अगर ये एंट्री करती हैं तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी, कोई चालाकी खेलना इस तरीके से रहेगा, तो बस उससे बची रहे। बाकी तो जनता पब्लिकली इनको सर आंखों पे रखेगी, इंट्यूशन भी अच्छी दिखा रहा है, नो डाउट एंटर करें बॉलीवुड में अगर जाना चाहती हैं तो। और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें दिखा रहा है कुछ नया करना चाहेंगी, कुछ प्रोजेक्ट्स या मूवीज़ कुछ नया अच्छा करना चाहेंगी, तो ऑब्स्टिकल्स वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, दैट्स इट। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग।